मैं मुस्कान को बता नहीं रहा कि ये बहुत टफेस्ट राइड है, खतरनाक। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोनू व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है डे 7 मेरा दुबई अबू धाबी का, और आज हम जा रहे हैं वार्नर ब्रोस, फरारी वर्ल्ड और यस आइलैंड। अब इन तीनों में से वहाँ जाकर चूज करेंगे कि हमें जाना कहाँ है और हमने एक मस्ती करनी कौन सी है। यही लोग हैं वो जो मेरे साथ जा रहे हैं। वो गए। एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, आपके साथ करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर। सडनली प्लान हो गया चेंज, क्योंकि वार्नर ब्रॉस थोड़ा सा बेबी राइड्स के लिए था, और मैं सोच रहा था कि मुझे थोड़ी हैवी राइड्स करनी है, लाइक अ फरारी वर्ल्ड। तो लास्ट मोमेंट में थोड़ी हाथापाई के बाद प्लान चेंज हुआ है। बड़े मुश्किल से मानी है ये, जब दो तीन घुसंड और मैं मानी हूँ, सॉरी मतलब मैं माना, ये बातें बताई नहीं जाती। तो फिर अब हम जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड, और वो भी अंधेरे में। ये रेड एरिया देख रहे हो, यही है ड्रीम कम ट्रू। 1 बज गया है और हम लेट हो चुके हैं। हमारे को यहाँ पे आना चाहिए था कम से कम 11:30-11:12 बजे के आसपास, बट कोई नहीं। दो तीन राइड्स का मेरा जो था वो है, और दो तीन राइड खतरनाक है जो वो करनी है, उसमें देखो कितना टाइम लगता है कितना नहीं। खुल जा सिम सिम, फरारी वर्ल्ड आइए, आपका इंतजार था। सडनली प्लान चेंज, और प्रशांत हमारे साथ नहीं जा रहा। और ऑल ऑफ यू थैंक्स गाइस फॉर द टिकट्स, और इनकी वजह से हमें मिला बहुत सारा डिस्काउंट। हाँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं यूट्यूब करता हूँ नोनू व्लॉग्स करके, प्रशांत आपको बता देगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, सीरियसली थैंक यू। चलें, आओ आओ, थैंक यू, बाय बाय। तो फाइनली हमारी जो टिकट्स हैं हमारी मिल चुकी हैं, और मेरी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है, बट मुझे दुख भी है कि वो बच्चा मेरे साथ पहले यस आइलैंड जा रहा था और नहीं जा पाया वो। सो एंट्री कन्फर्म्ड, आइए आ जाओ, तबाही करनी है। हे फरारी, एक दिन आप मेरे पास होंगी। मुस्कान जल्दी जल्दी आ जाओ यार, जल्दी जल्दी, सीरियसली। मॉन्ज़ा स्पेशल वन, और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी राइड्स। बट हमें कुछ ऐसी राइड्स नहीं करनी है, ये सब बच्चों के लिए है, और सीरियसली मेरे थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं मैं पक्का ज़रूर लेकर आऊँगा उन्हें यहाँ पे। जो मेरी राइड्स हैं वो बिहाइंड द येलो प्लेन, अगर आप देख पा रहे हैं तो, उसके बाद थोड़ी टफेस्ट राइड्स शुरू होती हैं जिसके लिए मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ। तो ये फ्लाइंग एस करके एक राइड है, और मुझे फ़ोन अलाउ नहीं कर रही है, हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न से, या फिर हो सकता है कि अगर मैंने सारा एंजॉय इस वीडियो में दिखा दिया तो इनके क्लाइंट्स आएंगे कैसे। तो अब हमारे को हमारा फ़ोन यहीं जमा कराना होगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, लाइफ की सबसे डेंजरस राइड थी, और नो वर्ड्स, क्या बात कर रहे हैं, अल्टीमेट मैं कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में कभी मौका मिले ना फरारी वर्ल्ड जरूर आना। मतलब जिनको राइड्स का शौक हो, स्विंग्स का शौक हो ना, सीरियसली। और सबसे अच्छी बात क्या है, वीकेंड पे आए हम लोग, संडे आज, ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही, ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही भगवान की वजह से। बाकी आगे का पता नहीं, तो पहली राइड हुई है,
अब देखो और कैसा रहेगा। बाकी प्रशांत तेरे को ना अपने बेबी को जरूर लेकर आना चाहिए था कि यार पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारी सेकंड राइड है जो वो यहाँ से शुरू होने वाली है। यार तू टेस्ट, चलो चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुबई आना यहाँ पे आके सफल हुआ है। सेकंड राइड हमारी ये वाली है और बट मैं इधर बैठूंगा, ध्यान रखिए इस बात का, कुत्ते के साथ ही ना इधर बैठ जाइए, मैं देखना चाहूँगा इस साइड जाएगा ये। मजा आया। ये वाली राइड भी होगी कंप्लीट हमारी, भाई साहब डेंजरस। ये राइड का मैप है कि आपने कौन कौन से राइड्स करनी है, या 30 राइड्स हैं जिसमें से मैंने टिक कर रखा है, मैंने ये कर ली हैं और अब आगे मैं टिक करता चलूँगा। अब एक राइड हमारी ये वाली है, अब हम ये वाला करेंगे। ये ज़्यादा टफेस्ट नहीं लग रही, बाकी देखो स्विंग्स करेंगे तो शायद कुछ लगे। पर ये बात है, ये आ गई हमारी नेक्स्ट राइड। वाओ देख रहे हो, फरारी वर्ल्ड बेब्स। रेसिंग जोन में हमने बाद में जाना है, पहले अपनी हम सारी राइड्स कंप्लीट कर रहे हैं, उन पे टिक मार्क करके। तेरे बाप को मत सिखा, चल। Come on, let's। नेक्स्ट थ्रिल वाली राइड हमारा वेट कर रही है। फ्लोरोनो चैलेंज एंड यहाँ से अब होगी राइड शुरू। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि जो टफेस्ट राइड्स हैं वो कर लें, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया और हमें बोला गया था कि खाना मत खाना, अगर आप खाना खा लोगे तो वोमिट कर दोगे। खाओ माँ कसम। मैं मुस्कान को बता नहीं रहा कि ये बहुत टफेस्ट राइड है, खतरनाक ये राइड है। राइड कंप्लीटेड, मज़ा आ गया। हमारी सारी टफ राइड्स जो भी थी हमने लगभग सारी कंप्लीट कर ली हैं और अब कुछ खाने के लिए जा रहे हैं कि भाई वोमिट ना हो। मैंगिनी मोडा, ये क्या है जी? यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप फरारी के सारे मग्स, टी शर्ट्स और कार्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बूटी के बाल, हम बचपन से बूढ़ी के बाल कहते थे, बट आई थिंक इसको कहते हैं स्वीट कैंडी कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। ये भी कुछ है, आई थिंक ये म्यूजियम है इनका। अगर मैं वोटिंग करूँ ना तो फ्लाइंग ये सबसे टफेस्ट राइड है, और सेकंड वन है वो टावर की, जो मैं भी आपका प्रॉपर नाम बताऊँगा, आई थिंक इसका टर्बो ट्रैक करके है। खाना साना हो जाए, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। जब आप घर में फ्रूट्स छोड़ दो और बाहर खाने का मन करे, 29 AED, 750 रुपये का बाउल है ये छोटा सा कप। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है और आइसक्रीम बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे।
नेक्स्ट राइड के लिए हम हैं रेडी। थक गई है लड़की, थक गई है। इसको इतनी सारी राइड्स करा दी है ना मैंने, ये थक गई है। तेरे को वीडियो के अंदर बोलना नहीं होता है। हाँ, मन में बोलना होता है, वीडियो में बोलना नहीं होता है, तेरे को ध्यान रखियो। ये हम एक वीडियो दिखा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको राइड का कैसे एक्सपीरियंस रहेगा। हाइट के हिसाब से, मतलब सीट की हाइट के हिसाब से बना रहे हैं। हमने जो चूज़ करा है 14 मीटर पे चूज़ किया है। आई थिंक वो सबसे उधर वाला जो था वो 3 मीटर था, ये वाला 9 मीटर था, और जो मैं हूँ हम 14 मीटर रहेंगे। और ग्रेट एक्सपीरियंस रहने वाला है। कुछ ऐसा सा है, हमने जो एंजॉय किया, ये स्क्रीन थी पूरी, इसने पूरा 3D इफेक्ट दिया और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम शूट से फरारी कार को फॉलो कर रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अमेजिंग, सीरियसली मजा आया। शॉपिंग करनी है गाइस तो आप आ जाओ दुबई और कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। साले तू क्यों, आप आ जाओ आप कर लो सम एक्सपीरियंस। इट्स अ रियल कार और फेक? रियल। अच्छा, रियल विदाउट इंजन। रियल कार, फील द टायर। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं बेबीज के लिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ? नहीं, इस एज के बच्चे कर सकते हैं जैसे, बट इसमें रॉक क्लाइंबिंग आई थिंक, इस टाइप की बेबी स्लाइड्स भी हैं यहाँ पे, बट नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। हमें चाहिए टफ राइड्स। दिस इज द स्टोर, फरारी स्टोर। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज सम टी शर्ट, कैप्स, मग्स, फरारी कार्स, लॉट्स ऑफ वराइटीज हियर। क्या आप कुछ खरीदना चाहती हैं? This is the real Ferrari with engine 488. गाड़ी ले लूँ ये वाली, क्या लगता है तेरे को मैं ले लूँ? हाँ या ना? लगता है ले लोगे। Love you. राइड्स लगभग खत्म हो चुकी है, हमने सोचा कि एक राइड हम लास्ट में लेंगे, वो जो सबसे टफ राइड थी। और ये इनकी बहुत पुरानी कार है। कैप्स, आ जाओ। कीरिंग वीरिंग नहीं, फरारी ही लेनी है। कोशिश कर रहा हूँ कि सारा एरिया आप लोगों को घुमा पाऊँ मन की आंखों से। अच्छा लगता है मुझे, जितना कोशिश हो पा रहा मैं घुमा पा रहा हूँ। बट मैं आपसे कहूँगा कि अगर राइड्स का शौक रखते हो तो जिंदगी में आना जरूर। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं गो कार्टिंग करेंगे। टिकट हो चुकी है मेरी डन, और अब हम करेंगे गो कार्टिंग। गो कार्टिंग के लिए मैं हूँ रेडी। ये मेरा मास्क है, हेलमेट मास्क। चलिए शुरू करते हैं। आओ जब तक आपको कुछ और चरवा देते हैं। कॉफी पी लो फिर। दिस इज द टायर ट्विस्ट। मैं टायर ट्विस्ट जाना चाहता था बट मैंने इतना कुछ खा लिया है कि अगर मैं वहाँ गया तो वोमिट आना पक्का है, और
मेरी मुस्कान बेचारी वैसी परेशान हो चुकी है, थक गई है बेचारी, बहुत थक गई है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि बेचारी इतनी थक गई है, अब अगला ट्रिप जो है मैं अकेले करूँगा। मैं नहीं चाहता ये थके, ये रेस्ट करे, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो अब नेक्स्ट राइड हमारी है फरारी, आजा ले चलो तेरे को फरारी की राइड पे। अपनी तो खरीदेंगे, वो तो टेस्ट ड्राइव इधर पे करनी पड़ेगी ना। मैं अपनी गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव करूँगा तो समझ ले ख़राब हो जाएगी ना, तो हम इस पर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, मूवमेंट इंजॉय करेंगे। फरारी आ गई। आर यू ड्राइविंग? आज फरारी मुस्कान चलाएंगी और मैं इंजॉय करूँगा। ओके फरारियाँ चला ली हमने यार की, बहुत फीन, आराम से चलाओ बेगम।